हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इंडियन रेलवे में न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि इंडियन रेलवे एवं भारत में जितनी भी रिक्रूटमेंट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आएंगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न रेलवे का यह नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी ऑनलाइन आवेदन की क्या रहने वाली है। 25 मई 2021 से 24 जून 2021 के बीच में आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिए। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल फर्स्ट RS 18,000 से लेकर 56,900, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे स्टेबलाइजमेंट एंड प्रेसेजिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग अप 20% वैकेंसीज ऑफ क्वालिफाइंग द रिक्वेसाइट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय RRB एवं RRC की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उन वैकेंसी में यह जो रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी हुआ है यह अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए जारी हुआ है। यह अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 20% वैकेंसी के लिए आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, पहले आपको प्रायोरिटी मिलेगी, पहले आपको रिक्रूटमेंट नौकरी में पहले आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज रहेगी आपकी 15 ईयर्स से 24 ईयर्स। एज 24 जून 2021 को कैलकुलेट की जाएगी। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को जो छूट दे होती है वो छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं हम इसेंटियल क्वालिफिकेशन की। इसेंटियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, मैट्रिकुलेट और टेंथ क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT एंड SCVT इज कंपलसरी इन रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर। ITI सर्टिफिकेट NCVT एंड SCVT से प्राप्त किया हुआ अनिवार्य है। ट्रेड वाइज डेजिग्नेटेड ट्रेड्स ITI ट्रेड्स क्या रहने वाली है, यह कंप्लीट यहाँ पर दी हुई है, आप खुद ही देख लीजिए, कंप्लीट दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेमेंट ऑफ फी। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी 100 रुपीज। SC ST PWD वुमेन के एप्लीकेंट के लिए फीस रिलैक्सेशन है, फीस आपकी नहीं लगेगी। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट की फीस नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर दिया हुआ है ये आप खुद ही देख लीजिए। कंप्लीट डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका सिलेक्शन किस बेस पर होने वाला है। सिलेक्शन आपका होगा 10वीं कक्षा की मार्कशीट और ITI की जो मार्कशीट है उसमें जो आपके अंक होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। कोई भी लिखित परीक्षा इंटरव्यू इस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं होने वाली है। आपका सिलेक्शन 10वीं कक्षा एवं ITI में परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैकेंसी डिटेल की, तो वैकेंसी आपकी डिवीजन वाइज डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दी हुई है।
आप खुद ही देख लीजिए, मुंबई डिवीजन की यह वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है वडोदरा डिवीजन। नेक्स्ट आपका है अहमदाबाद एडीआई डिवीजन, रतलाम डिवीजन। कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजकोट डिवीजन, भावनगर डिवीजन। डिपार्टमेंट वाइज डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। कंप्लीट वैकेंसीज डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप खुद ही देख लीजिए। अब हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज क्या रहने वाली है इस रिक्रूटमेंट के लिए। यूआर कैंडिडेट के लिए 1447 वैकेंसी रहने वाली है। यूआर कैंडिडेट के लिए एससी के लिए 538 वैकेंसी है, एसटी के लिए 270 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 966 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 370 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3591 वैकेंसी के लिए यह रिक्रूटमेंट होने वाली है। एक्स सर्विस मैन के लिए 108, एलडी के लिए 36 है, एचआई के लिए 36 है, वीआई के लिए 36 है, एमडी के लिए 36 है। टोटल इस डिपार्टमेंट की 144 वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट के लिए रहने वाली है। यह थी वेस्टर्न रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट डेट्स मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑनलाइन आवेदन की क्या रहने वाली है। 25 मई 2021 से 24 जून 2021 के बीच में इंडियन रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, इसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, जो कि यह इम्पोर्टेंट बात है कि यह सर्टिफिकेट पास करने के बाद आरआरबी आरआरसी की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको 20% कोटा मिलने वाला है। 20% वैकेंसी पर आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। वीडियो इतना ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि इंडियन रेलवे की कोई भी रिक्रूटमेंट से संबंधित आने वाली पल पल की हर अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर में सभी सदस्यों को सेफ रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।